ड्राइविंग कर रही हूँ। मैंने पहले मैं जब ज्वाइन करने के लिए बोला मैंने अपने घर में, तो मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया। तो मेरी फैमिली में पहले मना करे, तो फिर मैंने वही जिद ठान ली थी कि मैं हाँ ये सीखूंगी, मुझे कुछ करना है। बट मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया। पहले मैं सिर्फ घर में ही रहती थी। मैंने मेरे यहाँ पे एक दीदी है ललिता नाम की, तो उन्हें मैंने देखा। तो उस टाइम मेरी एज मतलब छोटी थी, तो उस टाइम पे मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। जैसी मैं 18 की हुई तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, और मैंने जब देखा सीखा आके यहाँ पे आज़ाद फाउंडेशन में सारी लड़कियों को देखा। इससे पहले मैं घर में ही रहती थी, और देखा तो मतलब बाहर की दुनिया भी मुझे देखने को मिली। इससे पहले मैंने कुछ नहीं, मतलब घर में ही सिंपल सी लाइफ में जी रही थी। मैं अपनी मम्मी को लेके भी गई वहाँ पे आज़ाद फाउंडेशन में। मैंने डोलन मैन से मिलवाया उन्हें, तो उनको मेरी मम्मी को अच्छा लगा देख के कि हाँ वहाँ पे कितनी सारी लड़कियाँ हैं, और फिर मतलब कैसे कैसे घर से आई हुई लड़कियाँ, सबके बारे में मैंने बताया उनको। मेरी फ्रेंड से भी मिलवाया था, तो उस टाइम से मेरी मम्मी मुझे और ज़्यादा सपोर्ट करने लगी। हमारी जो सखा है, हमें ऐसी ट्रेनिंग दी है उन्होंने कि हमारा डर सारा अंदर का निकल चुका है एकदम। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी उन्होंने हमें, तो अब हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हमारे साथ जो फीमेल जाती है उनको भी हम कंफर्टेबल फील करवाते हैं कि हमारे साथ उनको भी डर ना लगे, सेफ फील करती है हमारे साथ। एक क्लाइंट ऐसी थी कि उन्होंने बोला कि मुझे ना मेल ड्राइवर के साथ अच्छा नहीं लगता, अनकम्फर्टेबल फील होता है। फिर मेरे साथ वो गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे आपके साथ बहुत अच्छा फील हो रहा है, अनकम्फर्टेबल नहीं हो रहा है, एकदम कम्फर्टेबल हूँ मैं आपके साथ में। 10 years back in 2008, at that time there's really a single lady driver available in Delhi and NCR. So we try to something which is non-traditional livelihood. Normally women are doing that household activities like stitching, boutiques and all that. So we think some innovative idea that they should have a different livelihood.